जी हाँ, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको वीडियो के थोड़ा नीचे SUBSCRIB इस तरह का लिखा हुआ आपको मिलेगा, उसको पर जाइए और दबाइए। और हाँ, साथ में जो घंटी आएगी ना उसको भी दबाइए। तो चलिए, आज हमको जानना है पदार्थ किसे कहते हैं। दोस्तों, पदार्थ कहने का मतलब जो आँख से आपको दिख रहा है और नहीं भी दिख रहा है ना, वे सब पदार्थ है। समझे, जो चीज़ आपके सामने है ना वे सब पदार्थ है। एग्जाम्पल के लिए, आपके सामने अभी जो मोबाइल चला रहे हैं या टीवी वगैरह कुछ भी है, आपके सामने टीवी, मोबाइल, पेन, कॉपी, किताब इत्यादि, ये सब जो है ना, घर द्वार, ये सब जितने भी है ना, ये सब पदार्थ है। ठीक है। और हाँ, पदार्थ को पांच भागों में बांटा गया है। पदार्थ को पांच भागों में बांटा, यानी उसके जो पांच अवस्था होते हैं, एक तो होता है ठोस अवस्था, एक तो द्रव होता है, और एक तो गैस होता है, और एक तो होता है प्लाज्मा अवस्था, और एक होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट ये होता है अवस्थाएं, जो कि पांच होती हैं। ठीक है, तो ये होती हैं आपकी पांच अवस्थाएं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको नॉलेजबल लगा होगा। तो चलिए, वीडियो समाप्त हुआ।